हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितना बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा। तो गाइस वो अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ थी, वो 6 स्थितियाँ इससे धीरे हर एक क्लास में हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में आपको उपलब्ध करा दिए, बता दिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। गाइस आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसको देखने के बाद आप लोग आएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, यहाँ 2 स्थितियाँ हैं, एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। ये दोनों दो ही स्थितियां हैं और दोनों स्थितियों के लिए हम लोग प्रतिबिंब बना के सीख लेते हैं। और किसी एक स्थिति का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो गाइस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे प्रिय साथियों हैं, प्रिय स्टूडेंट हैं, वो क्लास के सेशन को एक बार ज़बरदस्त शेयर करेंगे। और चैनल पर अगर नए आए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ लोगों के साथ तो बड़ी समस्याएँ ये हो जा रही गाइस कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद जब आप लोग फिर से दोबारा सब्सक्राइब उसे करते तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है गाइज। वो आप मत कीजिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसको किए रहिएगा, ठीक। दोबारा आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको तो लाइक करना है, लाइक जब पसंद आए तो, न पसंद आए तो कोई बात नहीं, ठीक। तो आइए आज देखेंगे कि हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी वस्तु अनंत पर रखेंगे और देखेंगे कहाँ बनता है। तो भाई साहब मैंने क्या बताया था आपको, ये जरूर चीज़ें बताया होगा कि वो दर्पण जो अंदर की तरफ क्या होता है, कलई किया जाता है, अंदर की तरफ प्रिंट किया जाता है, वो अपना प्यारा सा दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण। भाई इसका नाम तो रख दिया जाए उत्तल, क्योंकि बहुत प्यारा दर्पण है ये, अंदर से चिकना चुपड़ा है, ठीक। उसके बाद इसी पर कहीं मुख्य अक्ष होता है और ये इसका क्या होता है, ध्रुव होता है। फिर उसके बाद ये होता है मुख्य फोकस होता है, क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। और ये दूसरा पॉइंट होता है वक्रता केंद्र, ठीक। अब वस्तु कहाँ पर है भाई, वस्तु जो है अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। तो हम मानते हैं कि ये जो वस्तु है, जो आपका वस्तु है, वो वस्तु यहाँ पर था। ये कोई वस्तु हो गया, ये कोई वस्तु ए और क्या हो गया बी, ये कहाँ पर है, अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पर। तो आप पहला नियम लगाइए, पहला नियम आपने क्या पढ़ा था, कि पहला नियम आपने पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश किरणें जो होती हैं वो कहाँ से होकर जाती हैं। आप ध्यान से समझिएगा गाइस, यहाँ पर एक बात है, यहाँ जब दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने लगेंगे तो वो जो 2-3 नियम आप पढ़े हैं वो दोनों तीनों नियम आप यहाँ नहीं लगा सकते गाइस। यहाँ आपको केवल वैसे नॉर्मली ये आपको ध्यान देना होगा, आपको इस पे मेहनत करना पड़ेगा तो आपको ज़रूर आ जाएंगे। यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे दिखेगा, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा वस्तु को आप बड़ा कीजिएगा, ये वस्तु हो गया, ये कुछ अनंत दूरी पर ये वस्तु है ए और क्या है बी। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण पड़ी, ठीक, ये इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराई, तो भाई दर्पण से टकराने के बाद, उत्तल दर्पण से टकराने के बाद ये प्रकाश किरणें ऐसे लौट जाएंगी। फिर ये कोई दूसरी प्रकाश किरणें इस पर पड़ी होंगी, ठीक, ये कोई दूसरी प्रकाश किरणें पड़ी होंगी और ये दूसरी प्रकाश किरणें टकराई दर्पण से, ये भी ऐसे लौट गई, ये भी ऐसे लौट गई जैसे पहले वाली किरणें लौटती थी। तो जब ये ऐसे लौट गई तो ये तो दोनों इधर आ जाके मिलने वाली है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर जाके काटेंगी, मुख्य फोकस पे जाके काटती हैं। तो गाइस एक बार फिर से समझिएगा कि अनंत दूरी पर कोई वस्तु ए बी है, अनंत दूरी पर कोई एक वस्तु ए बी है, इससे 2 किरणें निकली, दोनों किरणें दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात ऐसे इस प्रकार लौट आई। पर इन दो लौटने वाली दोनों किरणों को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाए तो पीछे की तरफ बढ़ाने को मुख्य फोकस पे इंटरसेक्ट की, यानी मुख्य फोकस पे काटी। तो भाई जहाँ 2 किरणें काटती वहीं वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, मुख्य फोकस पे बन गया। अब वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब तो देख रहे हैं बिंद रूपी का बना है, छोटा सा बना है, कहाँ बना है भाई, मुख्य फोकस पे बना है। कहाँ पर बना है, मुख्य फोकस पे बना है। अब बताइए आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बना है तो दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो वो 3-4 पॉइंट क्या होती हैं, सबसे पहला चीज़ क्या है, जो ये प्रतिबिंब है वो बिंद रूपी बनेगा, क्या बनेगा, बिंद रूपी बनेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट है
जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा, ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक। ये वाली पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद कहाँ बना है? मुख्य फोकस पे बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक। ये बातें इतना लिख दी है, ठीक। तो गाइज इस प्रकार आपकी जो पहली स्थिति है वो कंप्लीट हो जाती है। आइए हम लोग दूसरी स्थिति देखते हैं कि इस बार वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे? अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? अनंत और ध्रुव के बीच। तो वही एक बार फिर से उत्तल दर्पण बनाएंगे। इसका अंदर वाला भाग क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। तो भाई जब अंदर की तरफ आप कलई करोगे तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद एक इस पर क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये इसके क्या हो गए? मुख्य फोकस हो गए। ये क्या हो गए? इसके वक्रता केंद्र हो गए। अब क्या है? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, तो ध्रुव ये है, अनंत आपका मान लीजिएगा, अनंत दूरी ये रही होगी, तो अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच ये कोई वस्तु रख दिए ए और बी। अनंत और ध्रुव के बीच कोई वस्तु ए और बी रख दिए। तो पहला नियम लगाइए। पहला नियम आपने क्या पढ़ा था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो भाई इसको हम लोग इधर की तरफ बढ़ाए, ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नियम लगा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से क्या होती थी? आती हुई प्रतीत होती थी, ये। और उसके बाद दूसरा नियम लगाइएगा। दूसरा नियम आपने क्या पढ़ा था? कि भाई वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र की ओ ऐसे, ठीक। तो ये प्रकाश किरणें थोड़ा सा आप लोग यहाँ बनाइएगा, यहाँ मान लेते हैं एक मिनट के लिए, यहाँ वक्रता केंद्र सी है, ठीक। तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें जिस मार्ग से गई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। फिर से समझिएगा, हमने क्या बताया कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ये देखिए वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें जिस मार्ग से गई रहती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो गाइस देखिए ये दोनों कहाँ पर काट रही? यहाँ पर काट रही, यहाँ पर काट रही, तो यहाँ वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो भाई प्रतिबिंब देखिए ये ए डैश हो गए और ये क्या बन गया? बी डैश। तो प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना है, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? छोटा है। पहला पॉइंट नोट करेंगे भाई, देखने से पता चल रहा है भगवान ये भी है। देखिए प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ये बातें हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कहाँ बना है? P और F, P का नाम ध्रुव और F का नाम मुख्य फोकस। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F व ध्रुव P के बीच बनेगा, के बीच बनेगा, ये पॉइंट नोट हो गई। फिर उसके बाद अगला, आभासी बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे है। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्या बनेगा? आभासी बनेगा। और साथ में लास्ट पॉइंट क्या बनेगा? सीधा बनेगा, क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो इस प्रकार आपका ये भी स्थिति क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थिति संभव है, एक अनंत पर हो और एक अनंत और ध्रुव के बीच में रखा हो। तो ये दोनों स्थितियां आज के लेक्चर में समाप्त हो जाती है। तो गाइज अगर कहीं भी पढ़ाए गए कोई भी टॉपिक पर अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम आपके कमेंट के जवाब ज़रूर देंगे। गाइज अगर आज की लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,